नमस्कार जी, मैं मंजू। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है और मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश है कि गार्डन पे वीडियो दिखाया जाए। तो गार्डन के जो वीडियोज़ हैं बहुत लंबे हो जाते हैं, वो मेरे बहन भाइयों को पसंद नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं बनाना पसंद नहीं करती हूँ। तो चलो, अब आपने बोला ही है तो मैं जल्दी जल्दी से बस ये बना देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो होप करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो छोटा सा पसंद आएगा। मैं अपनी तरफ से बहुत छोटा बनाने की कोशिश करूंगी और कोई डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगी। तो ये इस तरह से मेरा गार्डन है दिसंबर के महीने में। पूरा गार्डन ये कुछ इस तरह से ये दिखता है। ये ऐसे प्लांट्स हैं, इस तरह से हैं, ये इस तरह से हैं, और कुछ वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं और ऐसे इस तरह से हैं, ये ऐसे इस तरह से ये दिखता है। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको पसंद आ रहा होगा। और ये जैसे मैंने सिलोसिया के खूब सारे प्लांट्स और ये सब निकाल दिए हैं, कुछ कुछ रहने दिए हैं, और उसके मैरीगोल्ड के भी खूब सारे निकाल दिए हैं। तो ये मेरे यहाँ कैलेंडुला भी खूब अच्छे से खिल रहा है, बड़े लंबे टाइम से कई तरह के इसमें फूल आ रहे हैं, कई अच्छे अच्छे कलर के ये देख पा रहे हैं ऐसे। और पिटूनिया के भी मैंने खूब सारे जो हैं फ्लावर्स निकाल दिए हैं, और सिलोसिया के तो ये भी मैं आज निकालने वाली हूँ। फूल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर ये काफ़ी पुराना प्लांट्स हो गया, ये इसके प्लांट्स जो हैं जितने भी थे मैंने सारे निकाल दिए हैं, तो ये आज निकालने वाली हूँ। ये पिटूनिया भी बहुत पुराना प्लांट, इसको भी मैं आज निकालने वाली हूँ। तो ये कुछ इस तरह से खिल रहे हैं। ये फ्लोक्स वगैरह भी, एक तो गिलहरियाँ नहीं छोड़ती हैं, और इस पे भी मेरे खूब सारे ये फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखो, ये बर्ड्स बनती हैं और ये चिड़ियाँ यहाँ से कट कर देती हैं, ये बड़ा ही नहीं होने देती, ये पूरा खा जाती हैं गिलहरियाँ। सर्दियों के कारण जो है इनकी पत्तियाँ जो हैं वो रेड कलर की हो जाती हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आप देख रहे हैं ऐसे। और पीछे जो मैंने वो पीछे की लाइन में है, जो मैंने जो पौध ट्रांसप्लांट कर रखी हुई है, उधर पीछे गमले रखे हुए हैं, यहाँ मैंने वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं, ये आप देख पा रहे हैं। कुछ पौध लगाई हुई है, इस गमले में पौध लगी हुई थी, और कुछ ट्रांसप्लांट की है और कुछ नहीं की हुई है। और ये मैंने मेथी लगाई हुई है इस तरह से, और ये मेरे पुदीने का प्लांट है, और ये मैंने कोलराबी लगाई हुई है, और भी खूब सारी लगाई हुई है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये मेरा जो ज़ेबरीना होली होक है, ये अक्टूबर महीने से ये खिल रहा है, तो अभी काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है। तो मैंने जो नए नए ग्रो किए हैं तो उनमें भी फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये बस देखते जाइए आप जल्दी जल्दी, मैं ये ऐसे कैमरा घुमा देती हूँ उन पर। और ये जो है इनके फूलों की भी लाइफ हो गई है, बस सीड के लिए मैंने इन्हें रखा है, एक दो दिन में इन्हें भी मैं निकालने वाली हूँ, ये इस तरह से। और जो ये ज़ेबरीना होली होकी, ये नए वाले प्लांट्स हैं, ये अब खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये इस तरह से, ऐसे सर्दियों में आप फूल लगा सकते हैं, ये बड़े ही अच्छे क्राइसेंथेमम के भरे भरे ढेर सारे फूल जो हैं ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये गुलाब भी काफ़ी दिनों से मेरे ये खूब अच्छे अच्छे खिल रहे हैं, और जो मैंने ये देखिए, ये खूब इसमें फ्लावर वर्ड्स आ रहे हैं। और सर्दियों के कारण इसकी पत्तियाँ इस तरह से हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि ये फास्फोरस की कमी हो तो तभी होती हैं, ये विंटर के कारण भी इसकी लीव्स ऐसी हो जाती हैं। देसी गुलाब भी मेरे यहाँ खूब खिल रहा है। तो इस प्लांट की भी जैसे लाइफ हो गई है, ये सीड चुनूंगी, अब मैं इसको सुखा के रखूंगी तो एक दो दिन में इसे भी निकाल लूँगी। तो ये गिलहरियाँ देखो जैसे कट कट करके यहाँ से ले जाती हैं। ये पेरिनियल वाला जो वर्वीना है, तो इस पर भी खूब फूल आते हैं, ये मैंने इस बारी ट्रांसप्लांट किया है अलग जगह में। तो ये इस तरह से ये आ रहा है ऐसे, यहाँ से देख पा रहे हैं आप। और जो पीछे रखे हुए हैं उस तरफ रखे हुए हैं, वो सारे न्यू प्लांट्स जो मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं वो हैं। ये मेरा लेमन ट्री है, इसमें खूब सारे जो है फूल आ रहा है, ये फल भी बन रहे हैं ढेरों।
ये मैंने एयर लेयरिंग से जो तैयार किया था इस तरह से, और ये छोटी छोटी बोटल्स में भी अभी मैंने प्लांट्स ग्रो किए हैं इस तरह से, ये मेरे ये लग रहे हैं। और ये देखो चिड़ियाँ जो पूरा ख़राब करी जा रही हैं। ये इसमें मैंने ये धनिया ग्रो किया, अभी फूल भी पड़ गए हैं, और इस पे मैंने मेथी लगाई हुई थी वो मैंने सब अब निकाल लिया। अब ये दोबारा से मैंने इस तरह से पिटूनिया और ये डॉग फ्लावर लगाए हैं। ये मधुमक्खियाँ देखा कितनी ढेर सारी इन पे आती हैं, फूलों पे बैठी रहती हैं, तो पोलिनेशन के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है। तितलियाँ भी खूब आती रहती हैं, और ये कॉस्मोस के फ्लावर्स इस तरह से खिल रहे हैं मेरे, ये ऐसे लग रहे हैं इस तरह से। और ये जो मैंने पहले ग्रो किए थे उन पे सीड भी बन चुका है, और ये बाद वाले हैं। और ये ग्रास भी मेरा ये खूब फूल दे रहा है, फाउंटेन ग्रास, ये दिखा ये इस तरह से। तो मैं जल्दी जल्दी दिखाती जाती हूँ बस। ये फूल भी इस तरह से गुलाब के आ रहे हैं, और ये फूल भी देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, जीनिया के, ये देखिए जीनिया के फ्लावर्स। ये कुछ फूल ख़राब हो रहे हैं, अब इनकी लाइफ हो चुकी है, काफ़ी लंबे टाइम से खिल रहे हैं। ये गुलाब भी मेरा खूब खिल रहा है, और ये जो मैंने बताया था ये बड़े लंबे टाइम तक चलते हैं, ये आप देख रहे हैं एस्टर के। तो ये भी चिड़ियाँ नहीं खड़ी होने दे रही, सारे निकाल निकाल के ले जाती हैं इस तरह से। और मेरे इन फ्लावर्स पे भी फ्लावर बर्ड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं इस तरह से। और बाकी ये मैंने कुछ बुट्टे उतार लिए, और ये कुछ चिड़ियों के लिए रहने दिया, अब ये सूखने जा रहा है प्लांट, जब सूख जाएगा फिर मैं निकालूंगी नहीं। तो ये देखो गिलहरी मैंने पूरे खा डाले हैं, और ये मेरे जो ये मैंने लगाई है गट गोभी जिसको कोलराबी भी कहा जाता है, तो ये देखो कितनी फैल गई है। और ये भी मैंने वेजिटेबल लगाई हुई है, ये कितने अच्छे से फैल रही है, इसको बोलते हैं चाइनीज मस्टर्ड ग्रीन्स। और ये देखिए ये मेरा, डिटेल में नहीं चलो जाऊंगी, ऐसे दिखा देती हूँ। ये इन्हें थोड़ी धूप मिल रही है, ये इतना सारा ये जो आप देख रहे हैं ये प्लांट्स मेरे देख रहे हैं, इतनी सारी इनकी पत्तियां हो जाती हैं। अभी मुझे सुबह पानी देना है, तो मैंने ये यहाँ दीवार के साथ ताकि धूप कम आए, तो छाया में ये बड़ी अच्छी चलती हैं, तो इन्हें मैंने अलग जगह मैंने शिफ्ट किया है, तो इन्हें थोड़ी धूप मिल रही है, तो उससे जो पत्तियाँ हैं इसकी जल्दी पीली हो जाने जा रही है। तो अगर छाया में लगाते हैं तो लंबे टाइम तक ये ग्रीन बनी रहती हैं, ये वॉक ट्री की इस तरह से। और ये मेरा लेमन ग्रास, ये कैसा हो गया है, इसको पानी नहीं मिला। और ये मेरे गर्मियों वाले प्लांट्स, चलो जल्दी जल्दी से चलते हैं इस तरह से। ये गर्मियों वाले प्लांट्स, और ये निकालने हैं अभी मुझे पुराने पिटूनिया। और इस ट्रे में जो गर्मियों के प्लांट्स मैंने लगाए थे, तो अब ये इस तरह से मैंने ग्रो कर दिए हैं, ये आप देख रहे हैं ये ऐसे। इसमें मैंने ये डॉग फ्लावर लगाए हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और ये कुछ पेंजी के लगाए हैं, और ये मेरा लेमन प्लांट, और ये मेरे गुलाब खूब सारे खिल रहे हैं। तो ये इस तरह से ये देखिए ऐसे। और ये देखो ये गिलहरी ने मेरा प्लांट ये पूरा ऊपर से यहाँ से कट कर दिया है, ये पूरा कैसे हो गया है ये। और ये मेरी ब्रोकली इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, अभी पानी देना है, पानी की ज़रूरत है। तो पत्तियाँ ये देखो कैसी हो गई हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं इसके। और बीच में मैंने ये दो टमाटर भी ग्रो किए हुए हैं, और ये मेरे कोलराबी के, और ये जो मैंने आपके सामने सिंड्रेरिया ट्रांसप्लांट किया था, तो कितने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं इसके। तो ये भी पुराना पेटूनिया, इसको भी हटाना है। तो इस तरह से ये मेरे गार्डन में खूब सारे ये फूल आ रहे हैं, ये गुलाब भी खिल रहा है। ये देखा ऐसे हैं, ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं,
ये यहाँ रखे हुए हैं, ये मैंने पोपी के ट्रांसप्लांट किए हैं, और ये मेरे जो पुराने हो गए हैं अब इनको निकालना है मैंने सब, पर फिर भी ये खूब अच्छे से ऐसे खिल रहे हैं इस तरह से। मुझे यहाँ कहीं जगह मिल जाती है तो मैं फूलों की पौध लगा देती हूँ, तो ये जो मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किए इसी में खिले और इसी में इनकी लाइफ जो पूरी हो गई है, ये इस तरह से ये देखिए। और ये कूड़े कचरे पे जो टैंकी में मैंने मूलियाँ ग्रो की हैं, कितने बड़े बड़े ये पौधे हो गए हैं इसके, ये पत्तियाँ जो है सैलड के काम खूब आती हैं ये। और ये कुछ शलगम लगा रखे हुए हैं, बस ये दूर से दिखा देती हूँ, ऐसे ज़्यादा डिटेल में नहीं, मैं लंबा वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी। और ये फूल मेरे सारे गिलहरी कट कर दे रही है, मैंने ऊंचा कर दिया इसको ताकि उससे थोड़ी रक्षा हो सके, पर फिर भी ये खाई जा रही है। और गिलहरियों के लिए ये टमाटर अब पकने जा रहे हैं, खूब सारे उन्होंने खा लिए हैं, और ये ऐसे ऐसे चिड़ियाँ भी आधे आधे खा रही हैं, तो ये उन्हीं के लिए मैंने रख छोड़े हैं ताकि जल्दी से वो उन्हें ख़त्म करें, फिर मैं इसमें कुछ और ग्रो करूँ, टमाटर का पौधा या कुछ और लगाऊँ। तो ये बस इस तरह से हैं मेरे ये प्लांट्स। तो करती हूँ कि आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, मैं इतना लंबा बनाना नहीं चाहती थी, मैं सोच रही थी कि 3-4 मिनट में ही घुमा के बंद कर दूँगी, पर फिर भी वो घुमाते घुमाते टाइम लग गया। नमस्ते जी, शुक्रिया।